कुकिंग वन में स्वागत दोस्तों। आज मैं आपके लाया हूँ वेजिटेबल बेज बिरयानी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। इसे बनाना बेहद ही आसान है, इसे आप घर पर बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। बेज बिरयानी बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग होती हैं, कौन कौन सी ट्रिक यूज होती है, साथ ही साथ इस वीडियो में टिप्स बताने वाला हूँ। दोस्तों ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लाजवाब होती है, एक बार इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। वेज बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर एक कप सोयाबीन लिया गया है, इसे 15 से 20 मिनट पहले भिगो कर रखा गया है और इसका पानी निकाल कर रख दिया जाएगा। इसके बाद चावल को आधे घंटे पहले भिगो कर रखा गया था, पुलाव वाला चावल है, अच्छे वाले चावल, और इसे भिगो कर रखा गया था। ये हमारा बिल्कुल भीग चुका है और इसमें सब्जियाँ डाली जाएंगी। सब्जी में हरी मटर ली गई है, हरी मटर के बाद लगभग 2-3 प्याज काट कर रख दी गई हैं और धनिया के बाद गाजर को घिस लिया गया था। फिर दोस्तों यहाँ पर गोभी, शिमला मिर्च, 2 कटे हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन लिया गया है। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुकर लिया गया है, हम लोग कुकर में बनाएंगे। तो सरसों का तेल डाला गया है। सरसों का तेल डालने के बाद जो हम लोगों ने सोयाबीन को भिगो कर रखा गया था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया गया है और इसे हम लोग पकाएँगे, यानी फ्राई करेंगे। जब ये हमारी गोल्डन ब्राउन की हो जाएगी, इसका मतलब ये पक चुकी है। इसे लगभग 2 मिनट का समय लगेगा, इसे हम लोग फ्राई कर लेंगे। जब दोस्तों ये हमारी इस तरीके हो जाए, तब इसे हम लोग को निकाल लेना है और इसी तेल में हम लोग वेज बिरयानी बनाएंगे। सोयाबीन हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इसे हम लोग सबसे लास्ट में डालेंगे। अगर आपको सोयाबीन नहीं पसंद है तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों खड़े मसाले लिए गए हैं, जीरा, काली मिर्च और तेज़पत्ता। अब इसमें हम लोग खड़े मसाले डाल देंगे। डालने के बाद इसे हम लोग लगभग 10 से 15 सेकंड तक भूनेंगे। उसके बाद 2-3 कटी हुई प्याज, थोड़ा बड़ी साइज़ की काटी गई हैं, इसमें डाल दिया जाएगा। प्याज डालने के बाद दोस्तों इसे हम लोग लगभग 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे ताकि हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाए। 1 से 1.5 मिनट के बाद ये हमारी हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम लोग लहसुन और अदरक और हरा मिर्च डालेंगे। तो सबसे पहले अदरक डाला गया है, 2-3 कलियां काट कर इसे डाल दिया गया है। फिर दोस्तों अदरक डाला गया, अदरक के बाद हम लोग हरा मिर्च डाल देंगे। हरा मिर्च थोड़ा खड़ा ही लिया गया है, बीच से काट दिया गया था हरा मिर्च को। अब इसे हम लोग लगभग 30 से 40 सेकंड तक भूनेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग सब्जियाँ डालेंगे। सब्जियाँ में गोभी डाली गई है, गोभी के बाद शिमला मिर्च, एक बड़ा शिमला मिर्च डाला गया है। शिमला मिर्च डालने के बाद लगभग 2-3 कटे हुए आलू डाल दिए गए हैं। आलू के बाद इसमें हरी मटर डाली गई है, हरी मटर की जगह आप बीन्स भी डाल सकते हैं। फिर दोस्तों कद्दूकस की हुई गाजर डाल दिया गया है। अब इसे हम लोग सब्जियों को भूनेंगे लगभग 2 से 3 मिनट तक ताकि हमारी ये हाफ फ्राई हो जाएं। इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक भूनना है दोस्तों। फिर इसमें हम लोग टमाटर डालेंगे, तो टमाटर को काट लिया गया है। यहाँ पर एक बड़ा टमाटर काट लिया गया है पीस और इसे डाल देंगे। सब्जियां हमारी जल्दी पकें इसके लिए इसमें हम लोग स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने से क्या होगा, ये सब्जियां हमारी जल्दी से फ्राई हो जाएंगी। नमक डालने के बाद इसे हम लोग लगभग 1 से 2 मिनट तक और चलाएंगे। फिर इसमें मसाले डालेंगे। मसाले में एक बड़ा चम्मच धनिया डाला गया है, धनिया के बाद एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और उसके बाद शाही बिरयानी मसाला डाला गया है। अगर आपके पास शाही बिरयानी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला यूज कर सकते हैं। मसालों को भी हम लोग लगभग 30 से 40 सेकंड तक भूनेंगे। फिर दोस्तों इसके बाद जब हमारा सारा मसाला भून जाएगा, तब हम लोग गैस चूल्हा धीमा कर देंगे। फिर इसमें चावल डालेंगे। चावल का पानी निकाल लिया गया है। दोस्तों नीचे की परत सब्जी वाली रहेगी और ऊपर वाली परत चावल की रहेगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बनाते हैं उसी तरीका हम लोग बना रहे हैं, तो बिल्कुल शून्य से बनाया जा रहा है। और गैस भट्टी की आँच, मतलब गैस चूल्हे की आँच धीमी है और उसके ऊपर चावल की परत है। फिर दोस्तों इसमें चावल के अनुसार नमक डाल दिया गया है और तीखा करने के लिए पिसी लाल मिर्च डाली गई है। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो पिसी लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं। फिर दोस्तों चावल के अनुसार हल्दी डाल दिया गया है। फिर थोड़ा सा गर्म मसाला डाला गया है। अब हम लोग जो सोयाबीन फ्राई किया था उसे भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे। पानी कितना ऐड करना है दोस्तों, पानी आपने जितना चावल लिया था उसका आधा पानी, क्योंकि चावल हमारे फूल चुके थे। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप पानी इतना डालें कि जब आप चम्मच डुबोएं तो पानी हमारा हल्का सा ऊपर ही रहे, यानी जब चम्मच आप लगा रहे हैं तो पानी हमारा ऊपर ही रहे।
अब इसमें हम लोग थोड़ा सा देसी घी ऐड कर रहे हैं। देसी घी ऐड करने से क्या होगा, चावल हमारे खिले खिले रहेंगे। अब इसे ढक कर हम लोग जब कुकर हमारा एक सीटी हो जाएगी, इसका मतलब बिरयानी हमारी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर एक सीटी हो चुकी है, इसका मतलब बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। ये हमारी रेडी हो चुकी है, अब इसे हम लोग निकाल लेंगे, सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले चावल हमारे तैयार हुए हैं और बिरयानी भी बिल्कुल पक चुकी है, बहुत ही अच्छी। ये खाने के लिए रेडी हो चुकी है, इसे आप खा सकते हैं। मैं इसी तरीके से ढेर सारी वीडियो लाने वाला हूँ। आपको कौन सी रेसिपी चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ये बिरयानी आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।